गाइज आज की एक और न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस न्यू वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गाइज कि अगर आप भी चाहते हो इंस्टाग्राम प्राइवेट अकाउंट को ओपन करना, तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे कि देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर एक आईडी है जो कि लड़के का है। यहाँ पे वो फोटो यहाँ पे अपना कुछ ही दिन पहले चेंज कर लिया है, प्रोफाइल फोटो देख सकते हो, और यहाँ पे लिख रहा है दिस अकाउंट इज प्राइवेट। इसने अपने अकाउंट पर लॉक लगा लिया यानी प्राइवेट कर लिया। तो कैसे इसके प्रोफाइल फोटो देख सकते हो, और एंड गाइस कैसे इसके इंस्टाग्राम प्राइवेट अकाउंट को ओपन कर सकते हो, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप जानना चाहते हो गाइस तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए गाइस मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किया गया तो जो वीडियो देख रहे हो उन्हें उसके जस्ट नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, तो फटाफट से जाकर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है कि अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन की घंटी है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर सकते हो, कैसे उसको ओपन करके उसके प्रोफाइल फ़ोटो को एवं उसके जो पोस्ट किए हैं वीडियो या फिर कोई फ़ोटो उसे कैसे देख सकते हो। तो उसके लिए गाइस पहले यहाँ से इंस्टाग्राम अपना ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद गाइस आपको करना क्या है ना कि आपको नीचे की साइड में यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख जाता है, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस जिसका अकाउंट प्राइवेट अकाउंट देखना चाहते हो गाइस उस पर यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि देख सकते हो मैं इसका प्राइवेट अकाउंट देखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, तो उसका यहाँ पे ओपन हो चुका है, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे दिस अकाउंट इज प्राइवेट, इसने अपने अकाउंट पर लॉक लगा लिया है। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ से करना क्या है ना गाइस कि ऊपर में आपको थ्री डॉट दिख रहा है तो थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर आपको नीचे में कुछ ऑप्शन देखने को जरूर मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ से आपको कॉपी प्रोफाइल यूआरएल पर क्लिक कर देना है। यहाँ से मतलब कि उसका जो यहाँ से आईडी है ना गाइस कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर इसको मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद फिर अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर गूगल ब्राउजर या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गए यहाँ पे फिर सर्च बार में आपको जाना है। सर्च बार में जाने के बाद जो आईडी आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, जैसे कि देख सकते हो मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद गए यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। तो सर्च करने के बाद गए यहाँ पे देख सकते हो उसका जो आईडी है यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो मेरे मोबाइल में प्रोसेसिंग स्टार्ट है, देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाला ही है। यहाँ पे भी देख सकते हो वही चीज़ लिख रहा है, दिस अकाउंट इज प्राइवेट फॉलो सी एयर फोटो एंड वीडियो, यानी ये अभी भी प्राइवेट ही है। तो इसके लिए गए उससे पहले चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप उसके जो प्रोफाइल फ़ोटो है उसको आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो अपने गैलरी में लाना चाहते हो तो कैसे ला सकते हो। तो जैसे प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करोगे ना गाइस उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे पहला है ओपन इमेज एंड न्यू टैब, यानी ओपन हो जाएगा ये पूरा फुल पेज में। उसके बाद फिर वहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते, यहाँ से जैसे कॉपी इमेज पर क्लिक करते हो तो आपका कॉपी हो जाएगा, फिर डाउनलोड इमेज, फिर आपको सर्च इमेज विथ गूगल, आप गूगल में भी सर्च जाकर मार सकते हो इस पर क्लिक करते हो। तो फिर शेयर इमेज अगर शेयर करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो इसलिए डाउनलोड पर क्लिक कर दिया हूँ। अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हो तो देख सकते हो जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो तो ओपन पर जैसे क्लिक करते हो तो देख सकते हो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो चलिए अब बैक कर लेता हूँ। अगर गाइस आप इस लड़के के पूरा मतलब इंस्टाग्राम के बायोडाटा देखना चाहते हो, इसका अपलोड वीडियो या फिर फोटो देखना चाहते हो तो नहीं देख सकते हो गाइस, क्योंकि गाइस ये जब तक अपने अकाउंट को प्राइवेट से अनप्राइवेट नहीं करता तब तक इसके इंस्टाग्राम अकाउंट को नहीं देख सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई फीचर अभी तक नहीं आया है गाइस। अगर अभी तक कोई भी अपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे ना गाइस तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते होंगे तो वो नहीं होता होगा, और बहुत सारे फेक वीडियो इस पे बनाए जा रहे हैं कि इंस्टाग्राम प्राइवेट अकाउंट को ऐसे देखो वैसे देखो, लेकिन वो वर्क नहीं करता है गाइस। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोग को बताना था कि अगर आप इस मंझासे में ना फंसे, सभी फेक होते हैं। तो आज मैं आपको बता दूँ कि जब तक ये अपने
प्राइवेट को अनप्राइवेट नहीं करता तब तक इसके प्रोफाइल को नहीं देख सकते। आई होप गाइस अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो के एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ऐसे ही न्यू धमाल वीडियो देखना चाहते हो गाइस तो इस चैनल को जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त या रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ गाइस कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।